टन 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 है यहां पे मेरे पास तो नहीं आ रहा। हाँ ये कोने में जा रहा छोटा सा। अच्छा गुड इवनिंग राजा बाबू, हमारे राजा बाबू आ गए, महेश कॉलेज आ गए, सौरभ बंसल, तनु कौशिक, हर्षगर्ग, रुचि, खुशबू, रूबी ठाकुर, विमुल, चलो भाई आज की सभा को सीखने सिखाने की सभा को शुरू करते हैं। हमारे साथ जो जो सज्जन और सज्जनी जुड़ गए हैं, एक बार सभी से निवेदन है हाथ जोड़ करके कि वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ जी, महेश कॉलेज, सौरभ बंसल, तनु कौशिक, हर्ष गर्ग, रुचि, खुशबू भारती, काजल कुमारी, रूबी ठाकुर, विमल, ज्योति, प्रिया, जोगेंद्र, रितिका, नितिन, आकाश यादव, विमल, ये यहां से हैं, रूटवर्ड कहीं और से हैं, कुछ और चीज कहीं, कई सारी किताबों का मिश्रण करेंगे इसमें, ठीक है ना। ये जो चीज है ये वहीं से हैं और कई सारी चीजें लेके आएंगे, रूटवर्ड के लिए अलग से बुक में से है, एक बुक का नहीं कई सारे बुक का संगम हमने तैयार किया है। पीयूष गोयल, करण गुप्ता, राजपूत, खुशी, खुशी मेरी लाडली तो सुनी थी पहले वाली क्लास में, कल्पना मोरिया, सौरभ बंसल, प्रिया, ओके सर जी, सारे के सारे लाइक नहीं किया भाई सभी ने। और ये डिसलाइक कौन कर रहा है यार, तू शर्मा जा थोड़ा बहुत यार, हमें तुझसे दुश्मनी क्या है। सारे के सारे एक बार लाइक करो और फिर आज की सीखने सिखाने की सभा को शुरू करते हैं। चलो भाई आ जाओ, परमात्मा परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हुए पहला वर्ड मेरे पास क्या है, ब्रूटल। ब्रूटल होता है बहुत ही क्रूरता के साथ, जो बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, क्या क्रूअल इस वर्ड को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा क्रूअल है, निर्दयी जिसको बोलते हैं, क्रूर है, निर्दयी है, सेवेज, क्रूअल है। और जो होता है बहुत ही ज्यादा ह्यूमन, ह्यूमेन होता है, जिसके अंदर होती है काइंडनेस, जो बहुत ही ज्यादा काइंड होता है, दयालु जिसको बोलते हैं, या एक वर्ड और भी यूज करते हैं, जनरियस, आर ओ यू एस, जी ई एन ई आर ओ यू एस, जनरियस, जो बहुत ही ज्यादा जनरियस होता है, जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होता है, बहुत ही ज्यादा दयालु होता है, वो इसका एंटोनिम हो गया। ब्रूटल क्रूर हो गया, सेवेज क्रूअल, और एंटोनिम क्या हो गया, ह्यूमन, दयालु, काइंड, जनरियस। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ इसमें, कैजुअल, कैजुअल फुसलाना, फुसलाना, कैजुअल फुसलाना, जो करते हैं चापलूसी, फ्लैटर, जो करते हैं चापलूसी, फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, एंटाइज करना, होता ना भाई मक्खन लगाना जिसको बोलते हैं, एंटोनिम क्या हो गया, मक्खन लगाना नहीं, उसका विरोध करते हैं, रिपल्स करते हैं या अपोज करते हैं, रिपल्स करते हैं या अपोज करते हैं, रिपल्स करते हैं, अपोज करते हैं, कोई दिक्कत है यहां तक। चलो भाई नेक्स्ट हो गया मनमोजी, बहुत बार आता है ये वर्ड, काफी प्रचलन में है, कैप्रीसियस, 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 होता है मनमोजी, विम्सिकल, विम्सिकल, ये मैं बार बार वर्ड इसके लिए बड़ा मैं ये पसंद करता हूं, हैप्पी गो लक्की, हैप्पी गो लक्की, मस्त मोला इंसान, हैप्पी गो लक्की, कैप्रीसियस, कैप्रीसियस, जो रहता है कैप्री में वो होता है मौज मस्ती में,
कैपरी में रहने वाला मौज मस्ती में होता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते थे, मौज मस्ती वाला, हैप्पी रहता है, मस्ती में रहता है, व्हिमसिकल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्म, रीजनेबल, बड़ा ही दृढ़ है, बहुत ही ज्यादा तर्क संगत है, मनमोजी नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सीज, सीज का मतलब होता है एंड करना, क्या होता है, एंड करना, किसी चीज का अंत करना, होता है ना सीज फायर, कि युद्ध विराम, युद्ध विराम, स्टॉप करना, एंड करना, रोकना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, शुरू करना, इनिशिएट करना, कंटिन्यू करना, स्टार्ट करना, बिगिन करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना, बिगिन करना, ये किसका एंटोनिम हो जाएगा, ये हो जाएगा सीज का, सीज का। नेक्स्ट क्या है, सेंस्योर, 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 सेंस्योर का मतलब क्या होता है, जो करता है आपकी घोर क्रिटिसाइज, आलोचना करता है, निंदा करता है, निंदा, जिसको क्या बोलते हैं, निंदा बोलते हैं, आलोचना, सेंस्योर, क्रिटिसाइज, आलोचना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, प्रशंसा करना, प्रेज करना, या इसको बोलते हैं एप्रिसिएट करना, एप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना, पीठ थपथपाना, पैट, पैट, पीएटी, पैट, पैट करना। नेक्स्ट क्या है, शिवेलरस, 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 शौर्यवान, हीरोइक, हीरोइक, जो करता है बहुत ही ज्यादा बोल्ड कार्य, बोल्ड होता है साहसी, क्रेजियस, हीरोइक, बोल्ड, निडर, है ना, जिसको बोलते दबंग। एक होता है कावर्डली, डिफिएंट या टिमिड, टिमिड बहुत ज्यादा यूज हो चुका मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे शब्द, है ना भाई। नेक्स्ट क्या है, क्लैंडेस्टिन, 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 सीक्रेट, सीक्रेट, क्लैंडेस्टिन, जो होता है क्लैंडेस्टिन, टीन में बंद हो, टीन में बंद हो, क्लैंडेस्टिन यानी कि जो सीक्रेट हो, ओपन, खुला हुआ, बिल्कुल ही ओपन हो, खुला हुआ हो। कॉमिक, ये आपको पता ही है, कॉमेडी इसी से बना है, कॉमिक, कॉमिक से बना है कॉमेडी, रणदीप सिंह, कॉमिक से ही बना है कॉमेडी, द कॉमिक। इसलिए पहले छोटे छोटे पढ़ते थे ना, कॉमिक्स आते थी, आपने तो पढ़ी नहीं, पता, हमने बहुत पढ़ी, छोटे छोटे थे कॉमिक्स, उसमें कार्टून बना करके कुछ ना कुछ लिखा होता था, हंसी मजाक के पात्र उसमें होते थे, तो कॉमिक्स, हास्य, कॉमिक से बनी कॉमेडी, यानी कि जो क्या होती है, काफी फनी होती है। इसका एंटोनिम क्या हो गया, जिसमें बहुत ज्यादा होती है, ट्रेटजी, सॉरी ट्रेजी, ट्रेटजी, सॉरी क्या बोलते हैं यार उसको, ट्रेजिक, ट्रेजिक होता है ना, ट्रेटजी है, ट्रेटजी, ट्रेटजी है, बहुत ही ज्यादा इसमें ट्रेजडी, इमोशन है, ड्रामा है, तो जिसमें होती है बहुत ही ज्यादा ट्रेटजी, ट्रेजिक, इसको बोलते हैं ट्रेजिक। नेक्स्ट क्या है, कमांड, ऑर्डर, आदेश देना, इंस्ट्रक्ट देना, इंस्ट्रक्ट देना या ऑर्डर देना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्ट देना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन बना इंस्ट्रक्शन, अपोज करना, परमिशन देना, पक्ष विपक्ष, अपोजिशन है, आदेश देना, आदेश का मतलब क्या हो गया, किसी चीज को इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका क्या बन गया, उसका अपोज करना या फिर उसमें परमिशन देना, ऑर्डर। नेक्स्ट क्या है, कॉन्जेनियल, कॉन्जेनियल अनुकूल होता है, जो आपके लिए क्या होती है, फेवरेबल होती है, कार्डियल, कार्डियल, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, कार्डियल का, जो आपके लिए क्या होती है, अप्रिय होती है, अनप्लीजेंट,
अनप्लीजेंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें क्या है? कंसेंसस। क्या हो जाएगा? यूनेनिमिटी, आम सहमति, जिसको आप क्या बोलते हो? अग्रीमेंट। क्या बोल गया आपके बीच में भाई? आम सहमति बन गई, हमारे बीच में बन गई आम सहमति, अग्रीमेंट बन गया, अंडरस्टैंडिंग बन गई, अंडरस्टैंडिंग होगी भाई हमारे बीच में, आम सहमति बन गई। इसका एंटोनिम क्या हो गया? डिसअग्रीमेंट हो गया, डिस्कार्ड हो गया, उसको नकार दिया गया, डेक्लाइन हो गया, रिजेक्ट कर दिया। या इसको एक और बोलते हैं एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या है? कॉपियस, प्रचुर, प्लेंटीफुल, बहुत ज्यादा मात्रा में। स्कार्स को तो आपको पता ही है, बहुत ही प्रचुर थोड़ी होगा भाई, ये तो कम होगा। अब क्या ठीक किया भाई आपने? कम बहुत कम। आगे क्या है? कुलमिनेशन किसको बोलते हैं? क्लाइमैक्स मतलब जिसका क्या जो चलता है किस चीज की तरफ? एंड की तरफ। क्लाइमैक्स आ जाता भाई, अब तो अंत आ गया। नहीं भाई, अब तो ये शुरुआत है, स्टार्टिंग है, कमेंसमेंट है, शुरुआत है। आगे क्या है? कल्पेबल। देखो कल्पेबल्स एक वर्ड होता है कल्प, इसी से बना कल्प्रीट, यानी कि जो होता है दोषी। हाँ, दोषी, कल्पेबल, दोषी, गिल्टी, कल्प्रीट भी बोलते हैं, कल्पेबल, दोषी, कल्प्रीट, गिल्टी। इसका गिल्टी तो नहीं होना चाहिए। चलो कल्प्रीट का गिल्टी हो सकता, कल्पेबल, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, टीवाई होल वाला नाउन होता है। इनोसेंट, ब्लेमलेस, जो होता है निर्दोष। निर्दोष या एक और भी बोलते हैं इसको, एक्यूज्ड, आपने सुना होगा भाई साहब, एक्यूज्ड है ये, आरोपी, जिसके ऊपर आरोप लगता है, दोष लगता है। नेक्स्ट क्या है? डिफाइल निर्दोष, प्योरिफाई, ओनर, शुद्ध करना, समाप्त करना। नेक्स्ट क्या है? डिमोलिश, ध्वस्त करना। डिमोलिश का मतलब क्या हो गया? ध्वस्त करना। डिसमेंटल, अलग अलग पुर्जे खोल खोल के रख देना। एंटोनिम क्या हो गया? बनाना, एस्टेब्लिश करना या कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, एस्टेब्लिश करना, कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट क्या है? डिम्योर, शर्मिला, सोवर, शाय। एंटोनिम क्या हो गया? बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही स्ट्रोंग है, बहुत ही साहसी है, बहुत ही कॉन्फिडेंट भी बोल सकते हैं इसका, बहुत ही ज्यादा क्या है? कॉन्फिडेंट है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है भाई। आर यू कॉन्फिडेंट? यस आई एम कॉन्फिडेंट। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट क्या है? डिस्पाइज, अंडरवैल्यू, अबोर, जिससे आप क्या करते हो? घृणा करते हो। हेट, एडमायर, प्रेज, जिसकी करते हो आप एप्रिसिएशन, जिसको क्या करते हो आप एप्रिसिएट करते हो, एप्रिसिएशन।
नेक्स्ट क्या है? डेटर, डी ई टी ई आर, डेटर, रोक लगाना। डेटर का मतलब रोक लगाना। हिंडर, हिंडर से बना है हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न जब होती है, हिंड्रेंस। देर आर, या एक और भी वर्ड बोलते हैं, ऑब्स्टेकल, 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 बहुत सारी। आई फेस्ड मेनी ऑब्स्टेकल इन माई लाइफ। यू हैव टू फेस मेनी ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। यू नीड टू ओवरकम ऑन योर ऑब्स्टेकल्स। अपनी बाधाओं पे, अपनी रुकावटों पे, अपनी समस्याओं पे आपको ओवरकम आना है। एंटोनिम क्या हो गया? एनकरेज करते हैं, एनकरेज, प्रोत्साहित करते हैं, जो आपको बैक सपोर्ट मिलता है। इंसाइट करते हैं, बैक सपोर्ट, इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर, आप किसी चीज से होते हैं, इंस्पायर करते हैं आपको करने के लिए। मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट करना, किसी को मोटिवेट करना, पुशअप करना, पुशअप करना। डेटर, रोक लगाना, हिंडर, ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसाइट, एनकरेज करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डिवोट, डिवोट, जो होता है पायस, जो रिलीजियस से संबंधित होता, बहुत ही ज्यादा धार्मिक होता है। टीचरस, टीचरस। नेक्स्ट क्या है? डायलेट, फैलाना, वाइडन करना, वाइडन करना, फैलाना, स्प्रेड करना। भाई इस चीज को, खबर को, इस न्यूज को जितना ज्यादा हो सके फैला दो, स्प्रेड कर दो, वाइडन कर दो, फैला दो इस चीज को। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्शन, इसको स्क्वीज कर दो, कंप्रेस कर दो, या स्क्वीज कर दो, स्क्वीज, स्क्वीज करना, स्क्वीज करना, भाई साहब इसको दबा दो, इस चीज को दबा दो, कंप्रेस कर दो, इसको कंप्रेस कर दो, स्क्वीज कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वीज कर दो। नेक्स्ट क्या है? डिमिनिश, डिमिनिश, घटाना, रिड्यूस करना, डिमिनिश, घटाना, रिड्यूस करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? इंक्रीज करना, बढ़ाना, 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 घटाना, रिड्यूस, डिमिनिश। ठीक है भाई, लेसन, लेसन, कम करना। नेक्स्ट क्या है? डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त करना, घर में अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में स्थिति होती है, अनटाइडी होती है, या डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। आप कई बार किसी के घर में विजिट करते हो तो उनका घर अच्छे से, सारी चीजें अपनी जगह जगह पे रखी होती हैं, बढ़िया, अच्छा लगता है। लेकिन कई कईयों के घर में जाओगे, सारी चीज यूं ही दाएं बाएं यूं ही फैली पड़ी रहती हैं। यानी कि वो क्या होती हैं? अस्त व्यस्त होती हैं, डिसऑर्डर्ड होती हैं। वो क्या लगता आपको? गंदा लगता, अनटाइडी, मतलब गंदा लगता, डिसऑर्डर में चीजें होती हैं। पता नहीं, फिर ढूंढते रहेंगे, अरे मेरी ये क्या गई, मेरी बनियान कहाँ गई, मेरी जुराब रखी थी मैंने यहीं पे, जुराबे कहाँ गई, अरे ये चम्मच किसने ली यार, अरे सब्जी काटने वाला चाकू कहाँ गया। क्यों? सारी की सारी क्या चीजें हैं? डिसऑर्डर्ड हैं। अगर सारी की सारी चीजें ऑर्डर में होंगी, अपनी जगह पे टाइडी तरीके से होंगी, नीट एंड क्लीन होगा, नीट एंड क्लीन तरीके से चीजें रखी होंगी, तो बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्या है? एफिकेसियस, एफिकेसियस। देखो एक वर्ड होता है फी, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव से होता, रूट वर्ड होता है फी, करेंगे हम। एफिकेसियस, प्रभावी, इफेक्टिव, इफेक्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव, जिसका भाई कोई भी किसी प्रकार का परिणाम ना निकले, यूजलेस है, बिल्कुल ही बेकार है, प्रभावहीन है, इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा यार, बुखार हुआ था मैंने, पैरासिटामोल ली, भाई साहब बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बिल्कुल ही बुखार उतार देगी, अरे भाई मेरा तो नहीं हुआ, इनइफेक्टिव रही, यूजलेस रही, बेकार रही। नेक्स्ट क्या है? इवेड, बच निकलना, अवॉइड करना, बाईपास करना, इग्नोर करना,
इग्नोर करना, किसी चीज को किसी को आप इग्नोर करते हुए पास हो जाते हो, गुजर जाते हो, निकल जाते हो, तो इवेड कर देते उसको। इवेड से बना इवेड, इवेड से बना इविडेशन, अवॉइड करते, बाईपास करते हो। नेक्स्ट है उसका सामना करते हो, कन्फ्रंट करते हो, सामना करते हो, कन्फ्रंट करते हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इवेजिव, इवेजिव कपटपूर्ण, कपटपूर्ण, डिसीव, डिसीव दे करके, चाल चल के, षड्यंत्र जिसको बोलते हो, इवेजिव, डिवाइस, डेवियस, डेवियस, डेवियस। ने इसका क्या हो जाएगा, जो होता है बिल्कुल ही भाई साहब स्पष्ट होता है, साफ साफ होता है, जो भी कहना साफ सुथरा कहना, साफ सुथरा कहना, सुखी रहना अपनी, तो यही है प्रतिक्रिया। कैटेगोरियल नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है भाई, एक्सो, एक्सो, एक्सो ऑर्बिटेंट, एक्सो ऑर्बिटेंट, एक्सो कहीं ना कहीं आउट से होता है, एक्सो का मतलब होता है आउट, एक्सो का मतलब होता है आउट, बहुत ज्यादा, अत्यधिक। आउट क्या होगा, जब ज्यादा मात्रा में कोई भी चीज एक्सेस होती है, एक्सेसिव होता है, हाई होता है ना भाई, मोर देन रिक्वायर्ड होता है, मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा, मोर देन रिक्वायर्ड। मोडेस्ट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फेलिसिटी, फेलिसिटी ये तो पता ही है, ब्लिस, क्या हो गया इसका, ब्लिस भाई, यही परम सत्य है। परम सुख कहाँ है, परम सुख है अंतरात्मा में। कभी भी आदमी को शोरो नहीं करना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए, हमेशा वैसा ब्लिस होना चाहिए, ब्लिस। नेक्स्ट क्या है, फेरोसियस, उग्र, फेरोसियस, उग्र, फेरोसियस, उग्र, फियर्स, अग्रेसिव, अग्रेसिव, फियर्स, अग्रेसिव। माइल्ड, जेंटल, पोलाइट, नेक्स्ट क्या है, फ्लिमसी, कमजोर, ये हमने देखा ही है, वीक, फीबल, स्टडी, ये होता है वीक, कमजोर, बोधा, सूखा सा कागजी पहलवान जिसको बोलते हैं, फ्लिमसी, कमजोर, वीक, फीबल, ठीक है। स्टडी, स्टडी होता है, एक तो होता है स्टडी, देखो आपने दो वर्ड सुनेंगे, एक तो स्टडी, एक होता है माचो, माचो मैन, सुना होगा माचो मैन, माचो, माचो और स्टडी, माचो मैन और स्टडी मैन में डिफरेंस क्या होता है, स्टडी यानी कि जिसका होता है गांठ गठीला बदन, बिल्कुल यो, बिल्कुल भाई साहब गांठ गठीला, ये मोटे मोटे कब्जे, स्टडी बॉडी है, हेयर स्टडी बॉडी, बिल्कुल गांठ गठीला। माचो क्या होता है, जिसका शरीर भी गांठ गठीला होता है और जिसकी अच्छी खासी हाइट भी होती है, उसको माचो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, माचो बोलते ना, हे माचो मैन, यानी कि जिसका शरीर भी जबरदस्त तरीके से सुदृढ़ होता है और जिसकी हाइट भी अच्छी खासी होती है, ठीक है भाई। तो हमने 130 निपटा लिए हैं, कल कल हम इसको और करेंगे, उसके बाद में मंडे से विल स्टार्ट द रूट वर्ड। हाँ माचो बड़े आराम से, ठीक है भाई, तो मंडे से विल स्टार्ट द रूट वर्ड, तो ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक यू वेरी मच।